व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 72 और 90 का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 72 को यहाँ पे लिखें, कोमा 90 को यहाँ पे लिखें। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं। तो अगर इन दोनों में से जो है एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है ना, तो आप यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो आपने चेक करना हो कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए रूल सुन लें। आप चेक करें उस नंबर का लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से है ना, इसका क्या मतलब है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 72 का लास्ट डिजिट 2 है, इनमें से है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 90 का लास्ट डिजिट 0 है, इनमें से है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली पता है 2 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आते हैं, तो यहाँ पे लिख लें। नहीं पता तो जो मैं बताने लगी हूँ वो सुन लें, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा 6 आता है, तो आप इसे कट करके 6 बना लें। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 ज़ार ये 7 था, जब कट होकर 6 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 12। 2 के टेबल में 12 आ गया, 6 ज़ार। अगर आपको डायरेक्टली पता था 2 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है, 36 आर, तो आप लिख लेते, ठीक है। फिर आप कटिंग ना करें, मैंने आपको ये आसानी के लिए बताया। 2 के टेबल में अगर आपको डायरेक्टली पता है कितनी ज़्यादा आता है तो लिख लें यहाँ पे। नहीं पता तो जो पहले किया वही यहाँ पे भी कर लें। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा 8 आता है, तो आप इसे कट करके 8 बना लें। 2 के टेबल में 8 आता है, 4 ज़ार, ये 9 था, जब कट होकर 8 बना, इसका 1 इधर चला गया, ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आ गया, 5 ज़ार। अब देखिए 36 है तो उसका लास्ट डेट 6 है, इनमें से है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 45 का लास्ट डेट 5 है, इनमें से नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर एक भी नंबर इनमें से 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे। ये हो रहा है, ये नहीं भी हो रहा तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। अगर आपको डायरेक्टली पता है इधर भी तो लिख लें। 2 के टेबल में 18 ज़्यादा आता है, 36 नहीं पता तो फिर वही जो ऊपर काम किया कर लें। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है, तो आप इसे कट करके 2 बना लें। 2 के टेबल में 2 आता है, 1 ज़्यादा, ये 3 था, जब कट होकर 2 बना, इसका 1 इधर चला गया, ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आ गया, 8 ज़्यादा। और ये पहले मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि ये डिवाइड नहीं होता, इसको वैसे ही लिखते हैं। अब ये तो नहीं हो रहा था तो ये हो रहा है, 2 से डिवाइड, यस होता है, तो यहाँ पे 2 ही लेना है। 2 के टेबल में 18 आता है, 9 ज़ार, 45 नहीं आता, इसको ऐसे लिख लें। अब ये तो पहले 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, अब ये होता है नहीं, 2 के टेबल में 8 आता है, 9 नहीं आता, उसके बाद 10 आता है, ठीक है। तो अब ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, ये भी नहीं हो रहा, तो हम अब यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, ठीक है। 3 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है और ये आता है कि नहीं। या कोई बड़ा नंबर आपने चेक करना हो तो उसके लिए रूल सुन लें। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, आपने डायरेक्टली चेक करना हो उसके लिए ये रूल होता है। अब जैसे 45 के लिए मैं बताने लगी हूँ, डिजिट्स प्लस कर दें। प्लस करने पे अगर तो आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 में 5 प्लस करें, 9, 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो 3 ले लिया यहाँ पे, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 ज़ार, और 3 के टेबल में हमें पता चल गया कि 45 डिवाइड होगा। डायरेक्टली पता है कितनी ज़ार आता है तो लिख लें, 15 ज़ार होता है, ठीक है। नहीं पता तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, उस तरह लिख लें, ठीक है। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा 3 आता है, तो आपसे कट करके 3 बना लें। 3 के टेबल में 3 आता है, 1 ज़ार, ये 4 था, जब कट होकर 3 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 आ गया, 5 ज़ार। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डायरेक्टली अगर आपको पता तो डायरेक्टली लिख लेते, ठीक है। यहाँ पे दोबारा 3 ले सकते हैं ना, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, 5 ज़ार। अब यहाँ पे 3 ले सकते हैं, नहीं, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में आएगा, तो 5 ही ले लेंगे, 5 वन ज़ार 5 आ गया। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 72 एंड 90 इज इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आप यहाँ पे लिख लें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 3 ज़ार कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 7, 72 आ गया। अब क्या करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से भी, 5 2 ज़ार 10, 7 5 ज़ार 35, 36, तो क्या आ गया, 360। तो हमारे पास क्या आया एलसीएम 72 और 90 का, 360। ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हम कर रहे हैं। बात की जाए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो उसमें क्या होता है, उसमें मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं,
तो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 14 के अलग से, फिर 42 के जो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर जो कॉमन आएगा उसको एक एक दफ़ा लिख देना, जो नॉन कॉमन है उसको भी लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इस पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और अभी हम जो कर रहे हैं वो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक पहुँच सके।